सो गाइज, आज का जो दौर चल रहा है, अभी लॉकडाउन इंडिया के अंदर चल रहा है, और जो आज मोदी जी के जो लेक्चर हुए थे उसमें उन्होंने बताया है कि आज से लॉकडाउन अभी 3 मई तक बढ़ा दिया है, तो आप घर पर बैठे बैठे क्या करोगे? दोस्तों आज मैं आपको इस तरह एक जो आप थंबनेल देखा था उसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में अपने मोबाइल से घर बैठे एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें आपको किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक वेबसाइट से अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका लोगो हो गया, आपका नाम हो गया एप्लीकेशंस का, ऐसी कुछ सिंपल सी टिप्स वगैरह उसमें, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है छोटी छोटी चीज़ों की, वो आपको डालनी है और आपको लोगो वगैरह आपका बना करके लगाना है, और उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर, अमेजोन स्टोर वगैरह, ऐप स्टोर जितने भी हैं सभी पर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि डाल सकते हो। वहाँ से आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आप मोनेटाइजेशन इनेबल भी करा सकते हो, यानी कि अपना मोनेटाइजेशन लगा करके वहाँ से एड्स लगा करके आप पैसे भी कमा सकते हो उस एप्लीकेशन से। बस कंडीशन ये है कि ये आपको, मतलब आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो उसमें शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो भी इनकम होगी वो 50-50% होगी, यानी कि 50% आपकी, क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं की है, सिर्फ आपने वहाँ से सब कुछ आपको इनबिल्ड मिलेगा, बना हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको सिर्फ वहाँ पर अपना डिटेल्स डाल करके, नाम हो गया, लोगो हो गया, कलर वगैरह, थीम वगैरह जैसे रखनी है सारी इनबिल्ड बनी हुई रखनी है, बस आपको चूज़ करते जाना है और आपका एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, देखिए साइड में आप देख सकते हो मैंने एक एप्लीकेशन बना रखा अपना 5MT चैट। अगर आपको कोई ज़रूरत है, आपको कोई सवाल है, कोई आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके और आप मुझसे चैट कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन बनाया, ये चैट एप्लीकेशन है। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट के, आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कैसा भी कोई भी एप्लीकेशन फ्री में बना सकते हो, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हो, घर बैठे आराम से सब पब्लिश वगैरह सब कर सकते हो, ठीक है? इससे मोनेटाइजेशन इनेबल भी करके एडमोब के ऐड लगा करके आप पैसे भी यहां से कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको बना सकते हो, कैसे इसमें साइन अप, वेबसाइट वगैरह, नाम क्या है, सब कुछ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। सो गाइस, अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीतू एंड यू वाचिंग 5MT YouTube चैनल। सो गाइस, कोई भी एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मैं जिस वेबसाइट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ वो एकदम फ्री वेबसाइट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो उस वेबसाइट का नाम है ऐप गीजर। सिंपली से आपको अपने मोबाइल से ही क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको लिखना होगा ऐप्स गीजर करके नाम है, जो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। गाइस, स्क्रीन पर आप देख सकते हो ऐप गीजर, इस तरीके से आपको लिखना है। लिखने के बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको डेस्कटॉप मोड पर करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो जो वेबसाइट है वो सही से शो होगी आपकी ब्राउज़र में। तो सबसे पहले जो दिख रही है appgeezer.com, इसको आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ऐप गीजर की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें साइन अप करना होगा। आप न्यू हो तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा, मैंने साइन अप ऑलरेडी कर रखा है, तो मुझे खाली लॉगिन करना है, इसलिए मुझे लॉगिन का दे रहा है। लेकिन आपके यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा, सिंपली से उस पर क्लिक करना है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं 3-4। देखिए आपको यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर क्लिक करना है, रजिस्टर पर आ जाएगा आपका ऑलरेडी। तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो गूगल से या फेसबुक से। तो आप यहां से गूगल या फेसबुक किसी से करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने मोबाइल नंबर और जो दे रखा है साइन इन विद ईमेल आईडी से भी यहां से कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अपने फेसबुक से करने वाला हूं, कंटिन्यू विद फेसबुक कर दूंगा, तो यहां से मेरा ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो मेरा यहां पर लॉगिन हो चुका है, डैशबोर्ड खुल के आ गया है। यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो इसको, वरना यहां से मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप यहां से स्किप कर देता हूं, ठीक है? सो गाइज, मैं जिस एप्लीकेशन को आपको साइड में दिखा रहा था वो एप्लीकेशन मैंने देखिए यहाँ पर बना रखा है 5MT चैट करके, वो मेरा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है। अब आपके सामने इस तरीके से नहीं आएगा, आपके सामने ये क्रिएट ऐप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट ऐप, उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐप पर क्रिएट ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर जिस तरह के ऐप होते हैं वो सारे खुल के आ जाते हैं। सबसे पहले दे रखा हो यहाँ पर इंडिविजुअल, ठीक है? इंडिविजुअल और बिजनेस, दो तरीके के यहाँ पर ऐप देता है इनबिल्ट बने हुए। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए वेबसाइट, यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो ओनली आपको लिंक पेस्ट करनी है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन में बोलेगा आपकी वेबसाइट का URL डालना है, आपकी वेबसाइट का नाम डालना है, लोगो लगाना है। सिंपली से 3 काम करते ही आपका ऐप जनरेट हो जाएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है?
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है फ्री वीडियो कॉल एंड चैट एप्लीकेशन, यहाँ से आप बना सकते हो क्विज टाइप के एप्लीकेशन, क्वेश्चन वगैरह के बना सकते हो, गाइड वाले बना सकते हो, वॉलपेपर, बुक रीडर, ये बहुत सारे वीडियो मीडिया प्लेयर जो होते हैं उस तरीके के, फोटो एडिटर के लिए या फिर मूवीज़ टीवी वगैरह के, यहाँ से आप बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी ऐप आप चूज़ करिए, उसको आप बना सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप चैट एप्लीकेशन मैसेंजर टाइप का कैसे बना सकते हो, क्योंकि मैंने अभी मैसेंजर टाइप का बनाया है फिलहाल में। तो सिंपल से आपको जैसे मुझे ये बनाना है तो इसको क्लिक करना होगा, देखिए यहाँ पर बिजनेस वाले और दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। यहाँ पर सिंपली से बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर होता है हमारा बिजनेस वेबसाइट होता है, ये आर्टिकल्स वगैरह, यूट्यूब्स अगर आपका मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप अपने यूट्यूब चैनल की लिंक डाल करके ओनली यूट्यूब चैनल की वीडियोस वगैरह का एक एप्लीकेशन बना सकते हो। उस ऐप को कोई खोलेगा तो आपकी जितनी भी वीडियो हैं, जो आपका पूरा चैनल दिखता है ना डैशबोर्ड करके, वो सारा उसमें दिखेगा, वहाँ से कोई भी आपकी वीडियोज़ को सर्च करके देख सकता है, यानी कि एप्लीकेशन को ओपन करके, ठीक है। तो जैसे फेसबुक पेज बनाना है कोई, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो। तो मैं आपको चैट वाला एक मैसेंजर टाइप का बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको मैसेंजर पर क्लिक कर देना है, आपको जौन सा बनाना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखिए इस तरीके से एक टेम्पलेट आएगा जिसमें आप देख सकते हो आपका ऐप कैसा बन रहा है, और यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, यहाँ पर रेफरेंस पेज करने का होता है। ये डेस्कटॉप में अच्छी खुलती है साइड, अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो वहाँ पर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल मैं अभी मोबाइल से ही बता रहा हूँ, मोबाइल से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपली से आपको देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इस ऐप के बारे में कैसे कैसे होगा। प्रोग्रामिंग सारी है इनबिल्ट देगा बनी हुई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली से आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप है नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये खुल के आ जाता है ऐप्स की सेटिंग्स, यानी कि आपको किस किस तरह की सेटिंग्स इसमें रखनी है आपके। जैसे कि आपको देखिए कलर दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहला दे रखा है एक्शन बार का कलर, जो आपका एक्शन बार होता है उसका कलर दे रखा है, एडिशनल कलर दे रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो किसी भी कलर पर क्लिक करके, यहाँ से इसको ऊपर नीचे ड्रॉ करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे ये इसमें दे रखा है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाता है कलर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो कलर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, आप जो चाहो आप आराम से दिमाग लगा कर बनाना, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, जैसे कि मेरे एप्लीकेशन में आप देख सकते हो साइड में दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए जो चिड़िया वाला जो लगा हुआ है डॉट डॉट करके दिल करके, जो मेरी डिजाइनिंग वाली इमेज है मैंने वो लगा रखी है। आप यहाँ से चाहो तो कोई बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हो, जैसे कि सिंपली इस पर क्लिक करोगे, ब्राउजर में आ जाओगे, ब्राउजर में क्लिक करके यहाँ से कोई भी इमेज अपनी उठा लोगे और यहाँ से दे दोगे। तो देखिए मैं फिलहाल मैं अपनी फ़ोटो दे दे रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ आपको बना करके। तो इस तरीके से आपकी इमेज मान लीजिए आपने ये दे दी, इमेज लगाने के बाद में आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जितने भी न्यू फीचर्स हैं, जितने भी आप चाहते हो अपने एप्लीकेशन में टैब्स को लाना, जिस जिस चीज़ को इनेबल करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। सेटिंग्स खुल के आ जाती है, इनेबल ये डायलॉग टैब है आपका, जितने भी डायलॉग्स होते हैं जैसे कि देखिए इनेबल पर्सनल डायलॉग टैब, इनेबल ग्रुप टैब, इनेबल ये सारी चीज़ें आप इनेबल कर दीजिए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एडवांस लेवल का हो जाएगा, ठीक है। आप अपना पढ़ लीजिए पहले इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ की आपको पता होनी चाहिए तो आप इसको इनेबल करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इतनी चीज़ें इनेबल कर दीजिए, यानी कि आपको पूछा जा रहा है सेलेक्ट टैब ऑप्शन, यानी कि आपको टॉप में रखने या बॉटम में, तो ये टॉप में मैं रखना चाहूँगा तो टॉप में इसको रहने देता हूँ, आप बॉटम में चाहो बॉटम में रख सकते हो। अगर आपका कोई URL है, कोई चैनल है, कोई एप्लीकेशन वगैरह है, ऐसा URL ऐड करना चाहते हो कोई चैनल का URL, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट करने का। अब बात आती है आप अपना ये देखने के लिए कि जैसे मैंने ये फोटो लगाया है तो आपको यहाँ पर कैसा दिखेगा इसमें। तो सबसे पहले आपको रिफ्रेश जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेज रिफ्रेश होगा। रेफरेंस होने के बाद में देखिए इस तरीके से आपका जो है खुल के आएगा, जो मैंने फ़ोटो लगाया है वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से, इसको ब्लैंक ही रहने देना चाहिए। अब बारी आती है देखिए क्रॉप करने की, अगर आपकी इमेज छोटी बड़ी होती है तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लैंक पर ले आता हूँ, यानी कि मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैं इतना क्रॉप कर लेता हूँ तो मेरा ब्लैंक बैकग्राउंड हो जाएगा, इस तरीके का कलर आ जाएगा। तो मैं इसको रेफरेंस करके देखता हूँ कैसा दिखेगा, ठीक है। यानी कि एक मेरा सिंपल सा ब्लैक, ये एकदम ब्लैंक बैकग्राउंड आ गया है, जैसे व्हाट्सएप का होता है। आपने अगर कोई डिजाइनिंग वाला बना रखा है तो वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। तो हमारा ये स्टेप पूरा हो चुका है, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है आपके ऐप का नाम देने की। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दीजिए, फिलहाल मैं जैसे अभी नाम दे दे रहा हूँ इसको चैट विद
जीतू, जैसे मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, मैं कुछ भी, आप कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। नाम देने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दीजिए। अब बारी आती है आपके, जो आप मोबाइल स्क्रीन पर आइकन देखते हो, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे मैंने अपना बनाया है, तो देखिए इस तरीके से ये जो आइकन मैंने लगा रखा है चैट 5MT चैट का, ये आइकन, तो यहाँ पर वही वाला आइकन हमें यहाँ डालना है। अगर आपके पास आइकन या कोई लोगो बना हुआ है तो आप यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और कोई भी इमेज अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ इनबिल्ट भी दे रखे हैं, आप इनमें से ले सकते हो, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्रॉप करने के लिए बोलेगा, यहाँ से क्रॉप कर लेंगे इसको, लोड हो रहा है थोड़ा सा, इनेबल करिए इसको, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आप अपना यहाँ पर लोगो ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे मैंने अपना चैनल का लोगो लगा दिया, तो आपका देखिए इतना ऐप बन के तैयार हो चुका है। अभी आप यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने रिफ्रेश पर क्लिक किया तो ये मेरा पेज रिफ्रेश हो गया है, देखिए इस तरीके से मेरा यहाँ पर देखने वाला है ये सारा का सारा, ठीक है। तो इसके बाद आपको आता है ऑप्शन क्रिएट करने का, देखिए अब आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन बन के क्रिएट हो जाएगा बिना किसी कोडिंग के। सिंपल से स्टेप्स हैं, इसी तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई सा भी बना सकते हो। इसके लिए ना तो आपको किसी नॉलेज की ज़रूरत है, ना ही किसी एडवांस कोडिंग की ज़रूरत है, ना ही कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है, आप सिंपल से बना सकते हो। अब इसके बाद देखिए आपके सामने ये सारी चीज़ें खुल के आती हैं। सबसे पहला होता है ऐप को डाउनलोड करने का, पब्लिश करने का। देखिए डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड के ऑप्शंस देगा, कहाँ मतलब इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो सिंपल से मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ पहले, तो ये थोड़ा सा लोड होता है, लोड होने के बाद में ये देखिए ये हमारा लोड हो गया। 100% होने के बाद आपको यहाँ पब्लिश दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर पब्लिश करने के ऑप्शन मिलते हैं। देखिए कितने ऑप्शन मिलते हैं यहाँ से, आप इस ऐप को लोड होने के बाद में आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर पब्लिश करने का कुछ चार्ज होता है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अदर दे रखे हैं, देखिए अमेजोन ऐप स्टोर पर भी कर सकते हो, या फिर ये जो दे रखे हैं इतने सारे स्टोर, इन पर भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो सिंपल से डाउनलोड करना तो यहाँ से आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ से डाउनलोड का ये आ गया, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में आपके सामने या नीचे नेक्स्ट लिखा आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको परमिशन पूछेगा डाउनलोड की, ओके कर दीजिए, और आपका देखिए यहाँ से 37 MB का एप्लीकेशन बनके मेरा तैयार हुआ है, ये डाउनलोड हो रहा है। डिटेल्स में चल के आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ से चैट विद जीतू, और जो मैंने कल बनाया है 5MT चैट, ये वाला मेरा 53 MB का है, ये थोड़ा छोटा बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐप बना सकते हो। अब चलिए मैं इसको जल्दी से फटाफट आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप अपने ऐप को कहाँ कहाँ पर मोनिटाइज कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। देखिए इसमें ऑप्शन आता है आपका पब्लिश करने का, इस पर क्लिक करेंगे पब्लिश पे, तो पब्लिश पे क्लिक करते हैं पहले हम। तो देखिए इसमें पब्लिश करने का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, अभी आप प्ले स्टोर या फिर ये सारे जगहों पर, अमेजोन स्टोर हो गया आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं पर आप इसको पब्लिश कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो यहाँ से। अब पैसे कमाने की बात करें, देखिए मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना होगा मोनेटाइजेशन पर। तो इस ऐप की कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं कि आपको यहाँ पर देखिए 50% चार्ज आपको इस एप्लीकेशन को, जिस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसको देना है, और 50% आपको मिलेगा अगर इससे आप मोनेटाइजेशन को इनेबल करते हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, योर एंट्री बैनर आईडीज वी गिव यू अ 50% एड स्पेस, यानी कि आपको 50% पैसे ये देगा और 50% खुद रखेगी वेबसाइट। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए पहले। इसके बाद यहाँ से आप देखिए इसको सेटिंग्स भी देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका बैकअप ले सकते हैं, और यहाँ से इसके नोटिफिकेशन वगैरह, और यहाँ से देखिए अगर आपको इन फ्यूचर का भी एडिट करना है एप्लीकेशन, तो सिंपली से इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सारा कुछ खुल के आ जाएगा, जो जो आपने काम किया है यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी ऐप कैसे बनाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम अपने ऐप को जो हमने डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा बनाया है। तो हमने ये बनाया है, इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए इसका हमारा आइकन वगैरह सब आ रहे हैं, इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अब आइकन जो मैंने लगाया वो आ गया, चैट विद जीतू लिखा आ गया यहाँ पर, जो मेरा नाम है एप्लीकेशन का, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन हमारा। इसके बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल इस पर क्लिक करना है, ऑलवेज पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है क्योंकि बड़ा है। देखिए इसके बाद हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है,
और ये वेरिफिकेशन के लिए जो मोबाइल चेक करता है हमारा सिक्योरिटी कि सेफ है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया सेफ, ठीक है, तो ये हमारा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, सिंपल से ओपन किया, देखिए ओपन करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट मैसेजिंग पर क्लिक करना है, या फिर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, पावरफुल क्लाउड, प्राइवेटी यानी कि प्राइवेसी वगैरह सब कुछ, स्टोरेज सिक्योर सब कुछ है इसमें। तो आपको सिंपल से स्टार्ट मैसेज पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको देखिए अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री से आप कर रहे हो, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद OTP आएगा आपके फ़ोन पर, जैसे आप हर चैटिंग एप्लीकेशन मैसेंजर एप्लीकेशन में करते हो, जैसे WhatsApp हो गया या जो भी हो गया, इनमें आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होता है रजिस्टर करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने अपना नंबर डाल दिया है, इसको मैं हाइड रख रहा हूँ, यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए OTP के लिए चला गया है, यहाँ पर हमारा आ रहा है OTP, अभी आएगा, तो OTP आने देते हैं, उसके बाद यहाँ डालते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो OTP हमारा आ गया है 33202, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा जैसे हर एप्लीकेशन में होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसके बाद जैसे मैं डाल देता हूँ अभी यहाँ पर लास्ट नेम, और यहाँ अपना फ़ोटो लगाना है, चलिए मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ, आपको पूरा दिखाता हूँ कैसा हमारा एप्लीकेशन ये वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने अभी बनाया है तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है या कोई दिक्कत है। तो चलिए हम अपना एक फ़ोटो भी यहाँ से लगा देते हैं, फ़ोटो लगा दिया, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है सब्सक्राइब यो इंस्टॉलेशन चैनल एंड ये सब, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा चैट एप्लीकेशन इस तरीके से इंटरफेस इसका खुल के आ गया, वेलकम टू जीतू ये करके, ठीक है। इसके बाद ये जो इनबिल्ट इसमें मैसेज आ गए, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स वगैरह इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू करके अलाउ कर दीजिए, यहाँ से आप चैनल बना सकते हो, कोई भी चैनल या फिर ग्रुप वगैरह बनाना हो ग्रुप बना सकते हो, और यहाँ से आप अपने ग्रुप देख सकते हो, यहाँ से चैट देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इनबिल्ट आपको मिल रहा है चलाने के लिए, यहाँ से देखिए कुछ आपको जैसे आपका टेलीग्राम होता है उस तरीके का एप्लीकेशन हमारा बन के तैयार हुआ है ये, तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर कुछ ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप्स को, यहाँ देख सकते हो अपना मैसेज कर सकते हो, यहाँ से देखिए फाइल सेंड कर सकते हो, ये बहुत सारी इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो, देख सकते हो एप्लीकेशन आपके सामने ये बन के तैयार हुआ है, मैंने अभी बनाया है, बिन हो रहा है, एक बार इसको बाहर चलते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, 20 मिनट का ट्यूटोरियल है, आप पूरी अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो इसी तरीके से, आप अपनी किसी भी वेबसाइट बिजनेस या कोई भी ब्लॉग टाइप का या कोई भी एप्लीकेशन बना करके तैयार कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हो। और मैं आपको लास्ट वाले के एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, इसी तरीके से आप अपना टाइम दे के बनाओगे, पढ़ के रीड करके बनाओगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा ये है कि आप सीखोगे खुद से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम देके बनाइए, देखिए ये मेरा चैट एप्लीकेशन है, आप इसको मुझे चैट कर सकते हो ऐड करके, ठीक है। तो देखिए पापा जी की चैट मैंने की है इसे, तो इसी तरीके से यहाँ से आप देखिए वीडियो कॉल सब कुछ होता है हमारा, तो इस तरीके का आप यहाँ से अपना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस देखा आपने किस तरीके से आप अपनी सिंपल सी डिटेल्स डाल करके एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि मैंने चैट एप्लीकेशन बना के दिखाया है, आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाए हैं, यूट्यूब वेबसाइट बिजनेस बहुत सारे एप्लीकेशन आप यहाँ से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिंपली अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट कर सकते हो, वेबसाइट एकदम फ्री है, यूज़ करो, और सिर्फ मोनेटाइजेशन के बाद आपको 50-50% करना होगा, तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पैसा अगर आप बाहर से एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके एक एप्लीकेशन बनता है, उसके बाद आपको फिर उसको लॉन्च भी करना होता है, तो इस सारी चीज़ों का खर्चा आपको बच रहा है, तो कम से कम आपकी इनकम जो है 50-50% हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, सभी को बता दीजिए जो अभी चाहते हैं एप्लीकेशन बनाना अपने बिजनेस रिलेटिव अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो बना सकते हो, आपको कोई एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।